हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 34वीं सीरीज हल करने जा रहे हैं, 34। और इसके बाद एक सीरीज आपको और हम प्रोवाइड करेंगे, टोटल आपको मिलेंगी 35, 35 सीरीज आपको मिलेंगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी मात्रा मैंने आपको करंट प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन भी होता है, उसकी व्याख्या भी होती है, तो रिलेटेड प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। बाकी जो सीरीज वाला ग्रुप है वहाँ पर आपको 20 करंट अफेयर्स की सीरीज मिली ही होंगी, तो उनको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी करंट के टॉपिक भी हमने काफ़ी करा दिए हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा जीएस पर जो भी आपका पोर्शन वीक है या जो आपकी चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है, तो उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे मैंने करंट के डेटा आपको दिए थे, तो उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जनगणना हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, यूपी का करंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ठीक। तो ये सब भी आप लोग थोड़ा सा एक बार नज़र फिर से मार लें, चूंकि जो बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं ना, वो आपके गलत ना हो तो अच्छी बात है ना। और कुछ और भी डेटा है, जैसे कि हालांकि सारे डेटा तो मैंने आपको दे दिए हैं, वो आपको बस पढ़ना है। कुछ पहले दिए थे, कुछ अभी दिए हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी दे दिए हैं, जीएस और हिंदी दोनों के, तो उनको भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं बीच बीच में। बाकी आपने कुछ ऐसे कुछ टॉपिक हिंट किए हों, कुछ टॉपिक पॉइंट या नोट किए हों जो आपको लगता है कि नहीं, इनको हम एग्जाम टाइम पे रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और मतलब तो वो अगर छूट रहे हैं तो उनको भी इस समय आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि समय बस एक दो दिन का टाइम बचा हुआ है, इसी में आपको सब कुछ करना है, ठीक है, अपनी रणनीति भी बनानी है कुल मिला करके। चलिए खैर, फिर शुरुआत करते हैं आज के हम लेक्चर की, और पहला क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किड्स फुटवियर प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सुरेश रैना या पूजा बत्रा? और सही आंसर आपका है राहुल द्रविड़। तो बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। प्लेटो भारत का पहला फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या अमेरिका? सही आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ने सर्वाधिक नवाद 77 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, जलवायु परिवर्तन का COP27 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत, मिस्र, ब्राजील या UAE? और आपका सही आंसर है यहाँ पर मिस्र। ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान मिस्र को COP27 की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो 2022 में होगा। 2023 में COP28 की मेजबानी UAE करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में भारत के प्रथम घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या असम? सही आंसर आपका उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। इस संरक्षण क्षेत्र में वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधि व सांस्कृतिक महत्व की 90 घास प्रजातियां उगाई जाएंगी या उग जाएंगी, मतलब इस क्षेत्र को जो किया गया है। और कहाँ पर? उत्तराखंड में ये बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में भारत का प्रथम सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तंजापुर, बनारस, गांधीनगर या फिर झांसी? सही आंसर आपका यहाँ पर तंजापुर। तो तमिलनाडु के तंजापुर में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय यानी फूड सिक्योरिटी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला खाद्य संग्रहालय होगा। यह संग्रहालय प्राचीन वैश्विक स्वदेशी अनाज भंडारण विधियों व चुनौतियों को प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोंकण शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कोंकण तट पर, मालाबार तट, सिक्किम या बंगाल की खाड़ी में? सही आपका आंसर है कोंकण तट। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन देश बना है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर भारत? सही आंसर आपका है अमेरिका। तो ग्लासगो में हो रहे COP26 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप में हस्ताक्षर किए हैं। आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 8, सऊदी अरब ने कब तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2050 तक, 2060, 2070 या फिर 2080 तक? सही आंसर आपका है 2060 तक। तो सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में हुई है। तो ये 2060 तक का लक्ष्य रखा गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2021 में 30वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ, देहरादून, दिल्ली या फिर अहमदाबाद? और आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। तो 30वें हुनर हाट का आयोजन 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक देहरादून में किया गया है। यह शिल्पकारों व कारीगरों को अपने हुनर प्रदर्शित करने का मंच है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लखनऊ, दो बार के विकल्प आ गया। और सही आंसर आपका उत्तराखंड है ये। तो उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2021 में घस्यारी कल्याण योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण घस्यारी महिलाओं के काम को बोझ को कम करना है। जो महिलाओं पर बोझ ज़्यादा है काम का, उसको कम करना है। क्वेश्चन नंबर 11, लाल सलाम एक उपन्यास नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी या फिर पूजा बत्रा? सही आंसर आपका है स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास लिखा है। उपन्यास 2010 के दंतेवाड़ा माओवादी हमले पर आधारित है। जो दंतेवाड़ा में हमला हुआ था माओवादियों का, उस पर इनका उपन्यास आधारित है लाल सलाम एक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 12, नवंबर 2021 में आयोजित आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एमसी मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या फिर जया सिंह? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एमसी मैरी कॉम। तो एमसी मैरी कॉम ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नवंबर 2021 में दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? असम, भुवनेश्वर, प्रयागराज या फिर झांसी? सही आंसर आपका भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर में पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन नवंबर 2021 में किया गया है। भारत पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने के लिए किसे मंजूरी प्रदान की है? सौरभ देव, सौरभ कृपाल, अजय माखन या विनीत मान? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, तो उसने देश के पहले समलैंगिक जज कौन बनेगा इसको मंजूरी दी है, और नाम है आपका सौरभ कृपाल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वह भारत के पहले समलैंगिक न्यायाधीश होंगे सौरभ कृपाल जी। क्वेश्चन नंबर 15, सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? सलमान खान, सलमान खुर्शीद, अजय माखन या जयराम रमेश? सही आंसर आपका है सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का विमोचन 10 नवंबर को किया गया है। अयोध्या पर केंद्रित इस किताब का विमोचन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया है। ये पुस्तक मुझे लगा शायद कुछ पुरानी है, पी चिदम्बरम चूंकि पहले थे गृह मंत्री, तो ये पुरानी पुस्तक इनकी रही होगी। यहाँ पर देखिए नाम डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये उस समय की बात हो रही जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सरदार भवन का उद्घाटन किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर केरल? और सही आंसर आपका यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में सरदार भवन का उद्घाटन किया है।
अहमदाबाद में बनाए गए सरदार धाम भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। पीएम मोदी जी ने सरदार भवन के साथ सरदार धाम फेज टू बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा व राज्यसभा टीबी का एकीकरण करके किस नाम से संचालित किया जाएगा? बहुत आसान सा सवाल है, बता सकते हैं आप लोग। यह आपका संसद टीवी। तो 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सरकारी चैनल संसद टीवी का शुभारंभ किया है। इस चैनल का गठन लोकसभा व राज्यसभा टीवी के विलय के माध्यम से किया गया है। इस पर देश विदेश की गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रसारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले ग्रीन बॉन्ड को निम्न में से किस कंपनी ने जारी किया है? कोल इंडिया, पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल या गैस इंडिया लिमिटेड? सही आंसर आपका है बी, यानी पावर कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले यूरो ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार जारी किया गया ग्रीन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वैजयंत पांडा या प्रणव सिंह? सही आंसर आपका है वैजयंत पांडा। ये विकल्प देखिए ऊपर चला गया है, लेकिन ये सी पर होना चाहिए था, तो वैजयंत पांडा यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प सही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष पूर्व सांसद वैजयंत पांडा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सितंबर 2021 में दूर संचार के क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गई है? 75%, 100%, 110% या 120%? दूर संचार के क्षेत्र में पूछा गया है। सही आंसर आपका 100% है। तो 15 सितंबर 2021 को सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसके तहत दूर संचार में राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है, जबकि बीमा क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। यानी कि अभी तक बीमा के क्षेत्र में 49% एफडीआई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 75% कर दिया गया है और दूर संचार क्षेत्र में 100%। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन विश्व की दो चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं? अलमोल, गीता समोता, अमोनदीप या सुनीता सिंह? सही आंसर आपका है गीता समोता। तो CIESF की अधिकारी गीता समोता हाल ही में अफ्रीका और रूस स्थित दो चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं और ये पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने माउंट एलब्रुस रूस की और किलिमंजारो तंजानिया की चोटी, इन दोनों को फतेह किया है। और क्वेश्चन नंबर 22, कानून मंत्रालय ने एक पहल अभियान किसके लिए शुरू किया है? वाहन लॉ, टेली लॉ, भारतीय न्याय या कोई नहीं? और सही आंसर आपका है टेली लॉ। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है। एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में संचालित किया गया। यह अभियान टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, IAEA ने किस भारतीय को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है? GC मुर्मू, अमन मुर्मू, दमन मुर्मू या फिर जय मुर्मू? और सही आंसर आपका यहाँ पर GC मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को IAEA और विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। दूसरे दौर में भारत ने जर्मनी को पीछे करके है उपलब्धि हासिल की है। 2022 से 2027 तक 6 वर्ष तक मुर्मू इस पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? और सही आंसर आपका यहाँ पर 7वां। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। इसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई है।
वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज़ को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप देंगे, जौल जीबी मेले 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पंजाब? बताएं भाई, आप लोग आंसर दीजिए। जौल जीबी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? और सही आंसर आपका है यहाँ पर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 10 दिवसीय जौल जीबी मेले का आयोजन किया गया है। जौल जीबी प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट भी है, यानी कि वहाँ पर आप पर्यटन के लिए भी जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सीरीज। कैसी आपको लगी जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से, लाइक कर दीजिए। और परीक्षा में जो समय बहुत कम बचा है, एकदम से इसको एक एक मिनट, एक एक पल को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और प्रारंभिक परीक्षा पास करें। आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, बस 5 दिसंबर के बाद आप लोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करा दी जाएगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।